नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं आपका बाजार। नमस्कार, मैं हूँ सुमित, आपका बाजार में आप सभी का स्वागत है। बाजार जो कि दिन के थोड़ा सा पुलबैक जरूर दिखा के कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ, मार्केट्स में जो गिरावट या फिर एक जो तेज बिकवाली थी वो जरूर देखने को मिल रही है। हाई इंटेंसिटी के साथ मार्केट्स में शुरुआती तौर पर बिकवाली आई और 7900 के लेवल को भी बाजार ने तोड़ा, लेकिन लोअर लेवल से कुछ रिकवरी और करीब 22 अंकों की रिकवरी के साथ निफ्टी भी कामकाज कर रहा है 7916 के लेवल पे। सेंसेक्स भी करीब 215 के नीचे, यानी एक समय में 265 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही थी। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% नीचे है। गिरावट ज्यादा ऑन अ फेस ऑफ इट इंडेक्स में नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में इसका जो बर्डन है वो और ज्यादा पड़ रहा है। इसीलिए आज बिकवाली किसी भी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो उतनी ज्यादा तेज नहीं है। निफ्टी बैंक 1.5% नीचे है, लेकिन मिड कैप बैंकिंग पर आप नजर डालें तो 3% तक की गिरावट नॉर्मली देखी जा रही है पूरे स्पेस के अंदर। फार्मा में 0.25% की गिरावट है, लेकिन मिड कैप फार्मा करीब 10-10% तक नीचे कामकाज कर रहे हैं। FMCG 0.5% नीचे है, लेकिन मिड कैप FMCG जो है वहां पर और ज्यादा गिरावट है। तो गिरावट है इंडेक्स में, लेकिन FMCG इंडेक्स में या फिर FMCG कंपनी में और ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। मेटल जहां पर ज्यादा बड़ी कंपनियां नहीं है, इसलिए मेटल में और रियल्टी में जहां पर ज्यादा बड़ी कंपनियां नहीं है वहां पर गिरावट और ज्यादा तेज दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां पर मिड कैप कंपनियों में तेज बिकवाली है। तो FMCG मिड कैप में रियल्टी या फिर मेटल, ये कुछ ऐसे इंडेक्स है जहां पर जोरदार बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। सभी सेक्टर इंडेक्सेस लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। चुनिंदा शेयर्स हैं जहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखे गए हैं, जिनमें आज PSU स्टॉक्स स्पेशली STC MMTC ये बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। जेकॉप, कुछ चुनिंदा होटल शेयर्स, इमामी, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर बाइंग है। बहुत ज्यादा बाइंग नहीं दिख रही है आज के सेशन में। और इस वीक मार्केट में अगर आप जाना चाहते हैं कि आपके निवेश को लेकर क्या स्ट्रैटेजी हो, तो आपका बाजार में आप शामिल हो सकते हैं। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव जैन हैं और सुमित बगड़िया हैं, जो आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। लेकिन तरीका आपको बता देते हैं शो में पार्टिसिपेट करने का। आप शेयर लिखिए, अपना सवाल लिखिए और उसको सेंड कीजिए 57575 पर। आप फोन लाइन के जरिए भी लाइव शो का हिस्सा बन सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। फेसबुक पर जाइए, जी बिजनेस के पेज पर जाकर अपने सवाल जो है वो पोस्ट कीजिए। तो शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चंस की, और जो पहला सवाल है आया है हमारे पास, वो आया है सूर्या का दिल्ली से। सूर्या, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। नमस्कार मैम, आई हैव टू होल्डिंग्स मैम। सन फार्मा के शेयर्स हैं आपके पास? यस मैम, सन फार्मा आई एम होल्डिंग एट द प्राइस ऑफ 650 एंड आई हैव 140 शेयर्स। ठीक है, और टाइम होराइजन क्या है आपका? मैम अबाउट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, ठीक है। संजीव, गुड मॉर्निंग, क्या व्यू आपका सनफार्मा पर? स्टॉक तो इन्होंने अच्छे लेवल पर लिया है सनफार्मा, लेकिन समय ये ज्यादा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 3 महीने का। क्या करना चाहिए? नुकसान अभी हो रहा है क्योंकि 620 पर आ चुका है, सेंटिमेंट्स थोड़े फार्मा में नेगेटिव हैं भी अभी। क्या सलाह देंगे इनको? गुड मॉर्निंग दीपाली, देखिए सन फार्मा पे मेरी इन्हें होल्ड की सलाह होगी। आप देखिए एक कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए, एक स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी है, अच्छा प्रेजेंस है सेक्टर में। मेरी इन्हें यहाँ राय होगी कि ये थोड़ा अपना समय अवधि टाइम होराइजन बढ़ा दें तो इन्हें अच्छा खासा रिटर्न सन फार्मा में मिल सकता है। तो थोड़ा लंबी अवधि का समय रखें तो सन फार्मा में निवेश करना उचित होता है रहेगा जी। तो सन फार्मा को लेकर राय आपको दी गई है कि आप बने रह सकते हैं, निवेश जो है थोड़ा बेहतर हो सकता है अगर आप लंबी अवधि का नजरिया देते हैं। तो एक सवाल और लेते हैं, SMS के जरिए एक सवाल आया है। सवाल है ओम प्रकाश का, भिवाड़ी से, मार्केटर को लेकर सवाल पूछा गया है। 1068 शेयर हैं इनके पास और 41 रुपये के भाव पर इनकी खरीदारी है। सुमित, आप क्या राय रखते हैं? इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो मार्केटर के अंदर है, बड़ी पोजिशन में है, राय क्या रखते हैं आप इस पर? हाई, गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केटर को इमीडिएटली देखेंगे तो लोअर लेवल से काउंटर ने अच्छा रिकवरी दिया हुआ है। अभी इमीडिएटली स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 42-42.50 लेवल्स के आसपास। जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा मार्केटर तो फिर हमको ऊपर में 49 से 50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इनकी खरीदी प्रेजेंट लेवल्स के आसपास ही है, तो एक बार होल्ड करें, थोड़ा सा समय इस स्टॉक के अंदर इनको देना पड़ेगा। एक रेंज इमीडिएटली मान के चले 37 से 42 के आसपास, नीचे में 37 सपोर्ट, ऊपर में 42 रेजिस्टेंस। जैसे 42 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 48 से 50 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं, होल्ड की सलाह रहेगी जी। अगले कॉलर अवेश हमारे साथ दिल्ली से। अवेश, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। अब मैंने इसको 25 ईयर SBI के एट द रेट ऑफ 268 लिया था, एवरेज कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं कब तक इसको होल्ड कर सकता हूँ सो दैट ये एटलीस्ट 282 को क्रॉस करे। ठीक है, ठीक है। संजीव, क्या सलाह है आपकी? 268 की इनकी बाइंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 246 पर ट्रेड कर रहा है। ये समय दे सकते हैं पर जानना चाहते हैं कि क्या नियर टर्म में या फिर मीडियम टर्म में 280-290 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है या फिर नहीं?
दीपाली देखिए, मैं SBI को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। एक अच्छी बैंक है और अच्छा परफॉर्मेंस भी इन्हों पिछले क्वार्टर में SBI ने दिखाया है। आप देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से SBI ने अपने NPA को मैनेज करके रखा है। लाइक 6.5% के आसपास ग्रॉस NPA SBI ने रिपोर्ट किया था लास्ट क्वार्टर में। और हम मानते हैं कि यू नो डीमोनिटाइजेशन इफेक्ट है और जो कैशलेस इकोनॉमी की बात चल रही है, इसमें बैंकिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसमें SBI जैसे बैंकों को गोइंग फॉरवर्ड लाभ होगा। थोड़ा लंबे समय नज़रिया थोड़ा लंबा रखें तो SBI एक अच्छी बैंक है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, तो आप SBI में निवेश करके रख सकते हैं, तो ये इनका लेवल भी पार कर सकता है जो इन्होंने बताया। जी हमारे साथ अब विनोद हैं, दमन से मौजूद हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी, क्या सवाल आपका पूछिए? सर मैं गुजरात पीपावा पोर्ट लिया है, 400 से 139 पे कुछ लिया हुआ है। ओके ठीक है, तो अभी इसका क्या 6-8 महीने में क्या फ्यूचर रहेगा, और क्योंकि अभी वापस एवरेज कर सकते होंगे संभावना में? जी विनोद जी, जोरदार गिरावट आज के सत्र में है, 6% नीचे कामकाज कर रहा है। अगर यहाँ पर आपको एवरेज गिराया दीजिए, आप कर सकते हैं? अच्छा चलिए सुमित, सवाल इनका गुजरात पीपावाव पे है, 400 शेयर है, 139 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 122-123 आ चुका है, लॉस तो इन्हें काफ़ी हो रहा है, रफली 18 रुपए के आसपास घाटा फिलहाल इनको हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? एक क्या एवरेज करें या फिर अभी वेट करें, लोअर लेवल मिलेंगे वहाँ एवरेज करें, क्या कर सकते हैं? सुमित सबसे पहले तो एक बार प्रेजेंट लेवल्स पे एवरेज की सलाह नहीं रहेगी, एक बार वेट करें, एक्जिस्टिंग पोजीशंस को एक बार होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक ऐसा नहीं है कि एकदम निकल जाने वाला टाइप स्टॉक है, ये स्टॉक के अंदर एक बार समय देना पड़ेगा, बट एक बार होल्ड कर सकते हैं। एवरेज के लिए इनको लोअर लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। आई थिंक लोअर लेवल्स में प्रेजेंट लेवल से 8-10 रुपए की गिरावट आती तभी एवरेज करने की सोचे, तब दोबारा एक बार जी बिजनेस पे सलाह ले ले, 110-112 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, वो लेवल्स टूटने नहीं चाहिए। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो हमको और गिरावट देखने को मिलेगी, इसमें तेजी तभी देखने को मिलेगी इमीडिएटली जब ये काउंटर ऊपर में 135 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होता है, यानी ये लेवल्स ध्यान में रख ले, नीचे में 110-112 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर में 135 के ऊपर जैसे ही क्लोज देके सस्टेन हो जाएगा तो इसमें तेजी स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की सलाह रहेगी, फिलहाल प्रेजेंट लेवल्स पे एवरेज की सलाह नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म में होल्ड करें, इन लेवल्स पर और एवरेज कर सकते हैं। अगले कॉलर दीपक है हमारे साथ ओडिशा से। दीपक नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं सेक्टोरियल पूछ रहा था, मैं 6 महीने अवधि के लिए निवेश करना चाहता हूँ, और कौन से सेक्टर में भी जाना चाहिए, गिरती हुई मार्केट है, तो आपकी सलाह रहेगी कौन से स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टोरियल किसमें जाना चाहिए? जिस सेक्टर में भी जाएंगे तो स्टॉक्स तो चुनने पड़ेंगे, तो इसलिए स्टॉक्स ही आपको बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन जो है आपका सेक्टर्स का वो दूर हो। संजीव, टॉप बेट्स क्या हैं आपकी 6 महीने के लिए, 2 स्टॉक्स कौन सा रिकमेंड करेंगे इनको? देखिए दीपाली, मेरी पहली पिक होगी ये PNB में निवेश कर सकते हैं, अभी बजट सत्र है, देखिए हो सकता है कि बैंकों के लिए कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाए, और PNB एक अच्छे लेवल पे भी आ चुका है, 117-116 के आसपास का लेवल चल रहा है, तो PNB मुझे यहाँ से अच्छा दिख रहा है। और दूसरा स्टॉक मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये इन्फोसिस में भी निवेश कर सकते हैं, पर इनको नज़रिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, एक अच्छे लेवल पे इन्फोसिस भी ट्रेड कर रहा है, और हम मानते हैं कि ये जो डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट है और रुपी में थोड़ी सी गिरावट दिखी गई है, तो इसके कारण से IT सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो इन्फोसिस और PNB में ये निवेश कर सकते हैं। चलिए तो आपको 2 विकल्प बताए गए हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं और एक अच्छे वेन्यूज अगले साल के लिए एटलीस्ट देख सकते हैं, अच्छी वैल्यू तलाश सकते हैं। एक शेयर में नजर डाली वो है कि कैनफिन होम, एक बिकवाली कैनफिन होम के अंदर आई है और डे लो पर आ चुका है, 1497 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला है, 1500 का लेवल जो है वो अभी अभी तोड़ा है शेयर ने, डे लो पर करीब 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, दिन के निचले स्तरों पर ही कैनफिन होम का शेयर कामकाज कर रहा है। और दूसरा नाम है KSK एनर्जी का, यहाँ पर एक खरीदारी आई है 5% ऊपर या चुका है, कैनफिन होम आपकी स्क्रीन पर है 6% नीचे अब कामकाज करते हुए। ऑन द कॉन्ट्ररी KSK एनर्जी जो है वहाँ पर खरीदारी आ रही है और दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर अब कामकाज कर रहा है, एक स्पाइक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब अजय कुमार हैं, जो कि पहले धर्मपाल हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। धर्मपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार धर्मपाल जी, क्या सवाल आपका पूछिए? सर मैं BF यूटिलिटी लिया था फ्राइडे को, 386.10 पे, 200 शेयर है। ओके, तो मेरा 12 महीने का होराइजन है सर, मैं क्या करूँ? चलिए सुमित, इनका सवाल BF यूटिलिटीज पर है, 386 रुपए के भाव पर खरीदारी है, 200 शेयर है, 377 रुपए का मौजूदा सर है, खरीदारी से करीब करीब 9 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है, हाल ही में खरीदारी है, एक नजरिया लंबी अवधि का है, क्या करें?
थोड़ा सा वीकनेस और देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में. देर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रेजेंट लेवल से 10 से 15 टके का फॉल स्टॉक के अंदर देखने को मिले, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 340-330 तक के लेवल्स दिखा सकता है. स्टॉक के अंदर तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये काउंटर कन्विंसिंगली 410 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है. अभी 380 के आसपास चल रहा है. 410 के ऊपर जब भी ये काउंटर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो हमको 480 से 500 तक के लेवल्स एक साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं. तो सबसे पहला तो ऊपर का लेवल 410 से 415 और नीचे में प्रिपेयर रहे हैं 430 तक के लेवल्स देखने के लिए. जी, अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय कुमार है फरीदाबाद से. अजय, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना. गुड मॉर्निंग मैम, क्या सवाल है बताइए. मैम मेरे पास ना अलंकित के 1500 शेयर है 34.25 रुपए के हिसाब से. तो जी, हायर लेवल्स पर खरीदा आपने ये स्टॉक. हाल ही की बाइंग है आपकी, दिसंबर मंथ की? हाँ जी. ठीक है, अभी कितना समय आप दे सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को? एक डेढ़ महीना. ठीक है. संजीव, अलंकित अब अगेन एक ऐसा स्टॉक इन्होंने खरीदा है जो कि डीमोनेटाइजेशन का पॉसिबल बेनिफिशियरी है. खरीदा है इन्होंने हायर लेवल्स पर, ऑलरेडी ये स्टॉक एक स्ट्रांग मूव दिखा चुका है. खबरों में भी रहा हाल ही में कि UIDAI ने EKY यूजर एजेंसी के तौर पर अलंकित को अपॉइंट किया है. लेकिन सिर्फ डेढ़ दो महीने के लिए इनको क्या करना चाहिए? यहाँ से कोई अपमूव आपको नजर आ रहा है अगले डेढ़ से दो महीने में, या फिर इनको होराइजन बढ़ाना चाहिए किसी डिसेंट गेंस के लिए? देखिए दीपाली, जैसा आपने कहा कि एक हायर लेवल पे इनकी परचेजिंग रही है, तो स्टॉक काफ़ी चल चुका था तब इन्होंने स्टॉक पे एंट्री किया है. दूसरा है, जैसा कि अभी गवर्नेंस वगैरह में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है और पूरी इकोनॉमी को ये कैशलेस करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली अलंकित जैसी कंपनियाँ बेनिफिट जरूर होंगी. पर क्योंकि इनका लेवल काफ़ी हाई है, तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी कि ये एक स्पाइक में यहाँ से एक बार के लिए एग्जिट हो जाए, वेट फॉर सम करेक्शन एंड देन री एंटर द स्टॉक. जी, तो अलंकित पे आपको राय दी गई है, 3180 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है. अमित से भी अब बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं. अमित जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार अमित जी, क्या सवाल है? सर मेरा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा है मैंने 95 रुपीज के रेट पे, अप्रोक्सीमेटली 3-4 ईयर्स हो चुका है. 95 के रेट्स पे? हाँ 95 के रेट्स में. अभी उसके लिए क्या सलाह होगी आपकी? काफ़ी ज़्यादा करेक्शन तो ऑलरेडी आ चुका है अमित जी, आपके पास बहुत ज़्यादा विकल्प तो बचे नहीं हैं. लेकिन हाँ, आप उन 29 लकी लोगों में से ज़रूर हैं जिन्होंने हज़ारों की रेंज में इसमें खरीदारी कर रखी है, क्योंकि GTL इन्फ्रा एक ज़माने में 1000 रुपये की रेंज में भी होता था. तो आप उनसे तो लकी हैं, लेकिन हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू जो आपकी वो इरोड हो चुकी है. सुमित, बहुत विकल्प नहीं है, 4 रुपये बचा है शेयर का भाव जो है, 95 पर खरीदारी है, नहीं 91 रुपये पर शेयर घाटा है, 90% से ज़्यादा वैल्यू इरोड हो चुकी है. क्या कर सकते हैं अभी इसमें? फ्रेश बाइंग की कोई भी सलाह नहीं है स्टॉक के अंदर. चार्टिकली भी अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनता होता तो मैं जरूर इनको एडवाइस करता, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है ये स्टॉक के अंदर फिलहाल. बस इनके पास एक ही ऑप्शन, एक बार होल्ड करके रखे, स्टोरी डेवलप होने दे, वॉल्यूम्स डेवलप होने दे, स्टॉक के अंदर ऐसा मूवमेंट दिखने दे जिससे तेजी स्टार्ट हो. फिलहाल तो कोई तेजी के संकेत दिख नहीं रहे हैं, इसके लिए फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी. एग्जिस्टिंग को होल्ड कर सकते हैं जब तक कोई स्टोरी डेवलप नहीं होती, तब तक स्टोरी डेवलप होने के बाद समझ में आएगा कि ये काउंटर कहाँ जाएगा और कैसा जाएगा. फिलहाल कोई सलाह नहीं है. फिलहाल कोई सलाह नहीं है. वैसे भी आपका जो सारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो तो इरोड हो ही चुका है. अब आप रिस्क ले सकते हैं, 4 रुपए के शेयर को होल्ड कर ही करना एक सही स्ट्रेटेजी होगी. अभी कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं. हमारे साथ राकेश है बेंगलुरु से. राकेश गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना. आपका परचेजिंग प्राइस 40 रुपीज का है? जी हाँ. तो ये क्या आपकी लाइक अगस्त के आसपास की बाएंगे, अगस्त सितंबर के आसपास के? जी हाँ, अगस्त से स्टार्टिंग. अगस्त स्टार्टिंग में, ठीक है. जब ये स्टॉक चल भी रहा था और ये करीब करीब 70 के लेवल्स तक गया भी था, अभी उतनी तेजी से नीचे भी आया है. इनफैक्ट संजीव, अगस्त के बाद से ये कंसिस्टेंटली करेक्ट हो रहा है. अब सिर्फ 23 रुपये का रह गया, इनका इन्वेस्टमेंट आधी हो चुकी है. अब क्या करना चाहिए ताकि इनका जो नुकसान है वो कम हो सके? देखिए दीपाली, एक्चुअली सुगर स्टॉक में मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूँ. मैं हमेशा एक सुगर स्टॉक के लिए ट्रेडिंग की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ के कारण ये सब कंपनियाँ और नेचुरल एक्टिविटी से भी कंपनियाँ काफ़ी इम्पैक्ट आता है इन कंपनियों के शेयर प्राइजों में. तो मेरी नया सलाह होगी कि अगर मैं पर्टिकुलर रूगर सुगर की फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो लॉस मेकिंग कंपनी है, डेट काफ़ी हाई है, तो फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हैं.
फिर भी मैं इन्हें सलाह दूंगा कि यू नो ये ट्रेडिंग करते रहें, पॉजिटिव न्यूज की वेट करें, अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा उछाल आएगा, तो उसका वहां से फिर एग्जिट हो जाए जी।